बाबा की परम कृपा से आज हम अध्याय 3 का प्रारंभ करते हैं। बाबा की स्वीकृति प्रतिज्ञा आज्ञा है अनमोल, ममतामय ज्योति स्वरूप के वचन है अनमोल। इस अध्याय में श्री साईं बाबा की स्वीकृति आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं ज्योति स्तंभ स्वरूप, मातृ प्रेम, रोहिला की कथा और उनके मधुर अमृतोपदेश का हम श्रवण करेंगे। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है, तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गईं तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हिमाड़ पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। ये मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है और जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा किस तरह बाबा ने दी।
भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा की। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने सबसे पहले मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साई सच चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है? अरे, मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को ये आभास कहां कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है? इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदधि नहीं, वरन शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। आइए अब हम बाबा का चरित्र जानें, जो के ज्योति स्तंभ स्वरूप है। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज को कोई हानि न पहुंचे। इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपर्युक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं लोप हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे, अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सत्ययुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषयाशक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सच्चरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। साई सच्चरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना ये साई महिमा ही समझें। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। आइए अब हम मातृ प्रेम के बारे में जानें। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है।
ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ वह निम्न प्रकार था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वो मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां अन्ना चिंचणी करने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, बाबा इनके ऊपर कृपा करो, जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है, कुटुंब में वृद्धि हो रही है बाबा, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुख पूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए, इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी, इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए, इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए, यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकें तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको रोहिला की कथा सुनाता हूं। ये कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा पूरा सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। अब ये देखें कि यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी, परंतु बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे, अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। आइए अब हम देखते हैं कि बाबा के मधुर अमृत उपदेश हमें क्या सीख देते हैं। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है,
समस्त जंतु चींटियां तथा दृश्यमान परिवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा नहीं करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जानें तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। मुक्ति का ये मार्ग है, कितना सरल आसान, साईं लीला का श्रवण, साईं का गुणगान। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। ओम श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साई नाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। अध्याय 3 संपूर्णम्।